नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए आज एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें प्राउड फील करना चाहिए या सेम फील करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन को रख देता हूँ, आप डिसाइड करिएगा कि ये दरअसल क्या है, प्राउड वाली बात है या इसमें हमें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल खबर ये है कि भारत ने सन 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कमाई। रेमिटेंस वो होती है जो इंडियंस विदेश में जाते हैं काम करने के लिए और फिर वो जो पैसे भेजते हैं इंडिया में। अब ये समझ लिए कि उन्होंने जो पैसे भेजे इंडिया में वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थे। इतने ज़्यादा पैसे किसी ने अपने देश में नहीं भेजे। इंडियंस ने $111 बिलियन भेजे। दूसरे नंबर पर मैक्सिको था, और चौथे नंबर पर चाइना था। चाइना ने सोचिए $50 बिलियन रिसीव करे हैं रेमिटेंस के रूप में। अब दोस्तों, मैं इस क्यों कह रहा हूँ कि ये शर्म की बात है या प्राउड फील करने की बात है। दोस्तों, कुछ चीज़ें जैसे कि मुझे लगता है कि इसमें प्राउड अगर हो सकता है तो ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे कुछ स्किल्ड वर्कर हैं जो वहाँ पे जाके अपना स्किल दिखा रहे हैं और उसकी वजह से वो अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और वो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, जिससे भारत को फॉरेन करेंसी की अर्निंग हो रही है। मतलब विदेशी मुद्रा हमारे हाथ में आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मुझे लग रहा है कि शर्म की बात क्यों है। दोस्तों, शर्म की बात मुझे इसलिए लग रही है कि हम अपने देश में अभी तक ऐसा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ के टैलेंटेड लोग विदेश में जा रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और वो वहाँ कमा रहे हैं। जबकि ये चीज़ अगर इंडिया में हो जाती, यहीं ये लोग कमा रहे होते, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती। दोस्तों, फॉरेन करेंसी हम ज़रूर रिसीव कर रहे हैं उनसे रेमिटेंस के रूप में, लेकिन फॉरेन करेंसी पाने के तो और भी तरीके हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते तब भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। दोस्तों, अब जैसे कि चाइना, वो $50 बिलियन उसके पास आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसका रीज़न साफ़ है कि चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करने में उसको अपनी फॉरेन करेंसी मिल जाती है और उसके यहाँ के लोग जो हैं वो अपने देश में ही कमाते हैं और उनके देश में उनको अच्छी अर्निंग होती है, इसलिए वो विदेश में नहीं जाते कमाने के लिए। ये एक बेसिक फ़र्क है भारत और चाइना में। अभी दोस्तों, हमको क्या है कि एक हाई पेइंग जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है और फिर भी उस लेवल की जॉब हमें नहीं मिलती है जो हमारा टैलेंट होता है बेसिकली। अब दोस्तों, एक चीज़ और भी है। अब इसमें अगर माइग्रेंट्स देखें कि जो अपने देश से सबसे ज़्यादा किस देश में लोग गए, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैक्सिकन लोग USA में जाते हैं। बहुत से मैक्सिकन्स हैं जो USA में जाते हैं और वहाँ कमाते हैं। अगर इसमें अगर देखें तो भारत का जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं वो UAE में जाते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन जो भारत को रेमिटेंस मिलती है सबसे ज़्यादा वो US से मिलती है। इसका मतलब साफ़ है कि US में हम जो लोग भेजते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड वाली जॉब करते हैं, हाई पेइंग जॉब करते हैं। मतलब वो अपना IT से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उनको वहाँ ज़्यादा पेमेंट मिलती है और वो ज़्यादा इंडिया में भेजते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो 2022 का डाटा है। 2023 में हमें पता है कि $125 बिलियन रिसीव हो चुका है, वो और भी ज़्यादा था। और जो उम्मीद लगाई जा रही है 2024-25 में, वो ये लगाई जा रही है कि $135 बिलियन की भारत की रेमिटेंस होगी, जो और भी ज़्यादा होगी। अच्छा दोस्तों, इसका जो ये बढ़ा है अभी इंडिया में रेमिटेंस, इसका एक कारण और भी हो सकता है, जो ये है कि इस पिछले अगर एक दो सालों में देखें तो इंडियन रुपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। डॉलर काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे रहा है, स्ट्रॉन्गर करेंसी रही है। तो क्या है कि मान लीजिए कि $1 के बराबर ₹80 होता है, तो दोस्तों अभी आप $1 आपने कमाया और इंडिया भेजा तो भारत में वो ₹80 मिलेगा। अगर यही टूट कर सोचिए ₹85 हो जाए, तो आप $1 को जब इंडिया भेजेंगे तो आपको ₹85 मिलेगा। तो दोस्तों, फ़र्क साफ़ है, जब इंडियन करेंसी ज़्यादा कमज़ोर होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ भेजने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी ये ज़्यादा हो सकती है रेमिटेंस इंडिया में, ये भी एक बात है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही गर्व की बात है, कुछ हो सकता है शर्म की भी बात हो कि हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है डॉलर के मुकाबले कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस पीरियड में हमें भेज रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि ये फॉरेन रेमिटेंस हमारे पास बढ़ रही है।
लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हमारे देश को, हमारे सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर ये हमारी करेंसी इतनी कमज़ोर हो क्यों रही है। ठीक है, लोगों को इससे रेमिटेंस आ रही है तो हमें खुशी की बात है, हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए। हमारी रुपए जो कमज़ोर हुआ है, हमारी करेंसी कमज़ोर हुई है, इसकी वजह से फॉरेन के लोग पैसा भी इन्वेस्ट इंडिया में ज़्यादा कर रहे हैं, एक ये भी पॉजिटिव चीज़ है। तो हर एक तरह से निगेटिव ही नहीं हो सकती, दोनों ही चीज़ है। मैंने आपके सामने पॉजिटिव चीज़ भी रखी, निगेटिव भी चीज़ रखी। अब आप डिसाइड करिए कि भारत के लिए ये क्या है, अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। अब सोचिए, रुपए कमज़ोर हुआ, फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि उन्होंने एक डॉलर दिया, यहाँ पे 83 रुपये उनको मिल गया। अब सोचिए, वो 83 रुपये इंडियन में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, इंडियन इकॉनमी में, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा हमारी इकॉनमी में आया तो हमारी तो ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। वो जब अपना रिटर्न ले जाएंगे तब ले जाएंगे, लेकिन आज तो हमारी ग्रोथ में ही साथ दे रहे हैं वो लोग, जो भी पैसे लगा रहे हैं। वो पैसा हमारी इकॉनमी में आया, हमारे यहाँ अब उससे लोगों को जॉब मिलेगी, उससे हमारी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। ये तो भारत के लिए फ़ायदे की चीज़ है, ये चीज़ जो रुपये थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। लेकिन दोस्तों इससे हमें कुछ नुकसान भी हो जाते हैं कि इंडिया में क्यों वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो विदेश में हम लोगों को जॉब करने के लिए भेज रहे हैं। इंडिया में ही हाई पेइंग जॉब होनी चाहिए चाइना की तरह, और हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि हमें फॉरेन करेंसी वहाँ से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं इस पर कुछ और अपडेटेड न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।